बिहार के शेखपुरा जिले के हथियामा ओपी क्षेत्र अंतर्गत सारिका गांव में एक परिवार दबंग की कुकृति के कारण पिछले 8 महीनों से दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। दरअसल पीड़ित परिवार सारिका गांव में वर्षों से रह रहा था, लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने घर पर कब्जा कर लिया। बात सिर्फ कब्जा तक ही होती तो और थी। पूर्व में बाइक चोरी और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पीड़ित परिवार जेल भी जा चुका है और 1 महीना तक सजा भी काटी है, लेकिन जमीन की बात जब आती है तो पुलिस चुप्पी साधे बैठ जाती है और दबंगों का समर्थन करती है। पीड़ित राम वृक्ष यादव, अनिता देवी, गौतम कुमार, दीनानाथ कुमार, लव कुमार, कुश कुमार, लाल बिहारी, सोनी कुमारी, दीपांति कुमारी अपने मवेशियों के साथ घर से बेघर हो चुका है और न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्तिकेय शर्मा के पास पहुंचा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हथियामा ओपी पुलिस भी दबंगों के समर्थन में मेरे दुकान तक को लुटवा दिया है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि उसके वर्षों से बने घर जिसमें वह रह रही थी उसमें नीतीश कुमार यानी जेडीयू का झंडा लगा दिया गया है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पीड़ित परिवार के मुखिया राम वृक्ष यादव पर घर में जबरन घुसकर मारपीट व बाइक चोरी की प्राथमिकी में भी जेल भिजवा चुका है। पीड़ित परिवार ने कहा कि अब उसके पास रहने के लिए न घर है न ठिकाना है। अपने पाले हुए मवेशियों के साथ पूरा परिवार सड़क पर इधर उधर भटक रहा है। पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हथियामा ओपी पुलिस को भी 15 बार आवेदन देने के लिए गया है, लेकिन आवेदन नहीं लिया गया और ना ही इनके ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। और तो और थाना पर जाने के बाद ओपी अध्यक्ष के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित परिवार आज भी एसपी कार्यालय पहुँच आरोपी रितेश महतो, मनीष कुमार, पंकज कुमार, दशरथ महतो, सुशांत कुमार, बिट्टू कुमार, महादेव महतो, शशि कुमार, राजनीति कुमार, मन्नू कुमार और सत्येंद्र कुमार के खिलाफ लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जब इस संबंध में एसपी आवास पर पहुंचे तो पीड़ित परिवार को हथियामा ओपी के अध्यक्ष अपने दलबल के साथ हटाने का प्रयास कर रहे थे। तब मीडिया वालों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और ओपी अध्यक्ष कुछ भी बताने से इनकार करते हुए वहां से कन्नी काटकर भागते दिखे। बहरहाल एसपी ने संबंधित क्षेत्र के थाने को मामले का जांच का आदेश दिया है। अब देखना यह लाजमी होगा कि थाना आखिर कब तक कार्रवाई कर पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। पति के सजा होवे में बाकी बाले बच्चे सजा नहीं है। क्या हुआ सरकार ने मेरा लूट लिया, दुकान लूट लिया, इसका कोई 10 आवेदन दिए एसपी साहब ने। बड़ा बाबू हथियामा वाला बड़ा बाबू मेरे माँ को मजाक किए, गलत नहीं बोल रहे सर, मेरे माँ को हथियामा वाला बड़ा बाबू मजाक किए, दुकान लुटवाया अभी तक बड़ा बाबू सर की मेरा घर में मेरी माँ दुकान चला रही और रितेश माँ तो मेरी माँ को और मेरी बहन को हाथ पकड़कर बाहर कर दी। हम बीटा में होटल खोले थे सर, बीटा से आए तो रितेश माँ तो की काम किया, मेरा बहन को पकड़ कर ले चल गया वो अपना घर और मेरे पिताजी पर ही एक लंख लगाया कि तुम्हारे पिताजी मेरा घर घुसा, पहले मुकदमा कर दिया था। उसी बाद केस किए बड़ा बाबू, केस नहीं लिए और केस नहीं लिए बड़ा बाबू दुकान लूट लिए, दुकान शहर का मेरा काउंटर रेखा कड़ाहा भी है सर, सब गल्ला पाती घर दोनों घर लूट। कौन बड़ा बाबू लूट लिए? बड़ा बाबू का नाम बुतला रहे हैं सर, अनिल बड़ा बाबू थे। कौन थाना? हथियामा थाना सर। और अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ, एसपी साहब को 14 आवेदन मेरे माँ दिया अभी तक और नीतीश कुमार का झंडा भी मेरे घर में बांधा हुआ है और रितेश माँ तो शेखपुरा में कहता कि हम डेली बिल्डिंग बना के बेचते हैं, रुपया से जला देंगे। यही रितेश माँ तो कहता, हम सोनी विधायक के साथ में भी घूमते हैं। क्या परेशानी? यही परेशानी है कि 5 गो भाई हैं सर, 2 गो बहन है, जमान शादी करने का है, घर से बाहर हो लें, इसका कोई स्थिति हमको पास में नहीं है। हम रोड पर रह रहे हैं, दुल्लापुर गांव है सर, उसी रोड पर झोपड़ा दे के रह रहे हैं सर। इसका कोई आवेदन डीआईजी साहब को भी फ़ोन किए, डीआईजी साहब को डेली फ़ोन करते करते तबाह है, एसपी साहब को करते करते तबाह, बाकी रितेश मातो भी
से कूड़ा में बोलता आते हैं, गोल न्यूरा पड़ते हैं कि मेरा दुकान दे दो लूट लिए तो नहीं देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर। लोगों का आरोप है कि दबंग लोग घर से बाहर कर दिए, पिछले 6 महीने से हम दूसरे के घर में रह रहे हैं, आज पूरा पशु जानवर सब सब पूरा परिवार लेके सर के पास आया हुआ है, इसके सर का क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें थाना से बात हुई है, थाना प्रभारी अभी जाकर उसको तुरंत देखेंगे उसमें, और जिसपे केस हुआ या जो सच्चाई मामला है उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। उसे पूर्व में कोई केस वगैरह हुए हैं और उस पर अनुसंधान करके बताएगा।